जिनको पीस दिखता है तो उनकी आंखों पर तो ऐनक लगी हुई है, क्योंकि आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। और आतंकवाद अभी भी है, आप देखते हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए, हमारे पुलिस के DSPs और पुलिस के जवान शहीद हो गए। फिर ये आपने देखा अभी जो पुंछ में हुआ है और वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हुए, फिर फौज ने कई आदमियों को उठाया उस गांव से, जिनका कसूर कुछ नहीं था, मगर वो कहने लगे आपने खाना खिलाया। उन्होंने कहा भाई हमने खाना नहीं खिलाया, हम इस बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, मगर हुआ और ज़बरदस्त मारपीट भी गई उनकी, जिसमें कि 3 इस दुनिया से चले गए, 2 या 3 बहुत ज़ख्मी हैं, वो अस्पतालों में उधमपुर में हैं, रजौरी में हैं, अल्लाह जाने उनका क्या हाल होगा। जो सुरनकोट में हैं, अल्लाह का शुक्र है उनकी हालत उनसे बेहतर है, मगर अफसोस की बात ये है कि उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है, वो बेचारे मज़दूर हैं, अब क्या मज़दूरी करेंगे जब उनकी टांगों वांगों पे, बाजुओं पे चोटें लगी हैं, कैसे करेंगे। इसे मैं आपकी मीडिया की तो से गुजारिश करूँगा कि ये मेरी बात सरकार तक पहुँचाएँ कि इन लोगों को करीबन 5 लाख एक आदमी को देना चाहिए, और साथ साथ राशन देना चाहिए इनको 6 महीने के लिए, जब तक ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग लोगों को खो देंगे। और अगर लोग इसके साथ नहीं होंगे कि हम आतंकवादों को मुकाबला कर सकें इकट्ठे, तो ये कभी जीत नहीं सकते। जब तक लोग हैं तभी जीत सकते हैं, लोग नहीं होंगे तो नहीं जीत सकते। इससे बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सुनिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनाथ सिंह जी तशरीफ़ लाए, उनने इसका जायज़ा लिया, उनने उन सब रिश्तेदारों का सुना जो वहाँ उनसे मिले, उनसे कहा कि क्या हुआ है, और उन्होंने इसका वादा किया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी छानबीन जल्दी होगी और जल्दी ये लोगों के सामने आएगा कि इन्हें सज़ा क्या दी है, क्योंकि नहीं तो लोगों का एतबार जो है वो उठ जाएगा। बीजेपी तो बोल रही है कि जो हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर वो सामान्य हो गए हैं, वो उनकी आंखों पर जो ऐनक लगी है उससे वही दिखता है, उससे फारूक अब्दुल्ला क्या कर सकता है, किस चीज़ का। देखिए आतंकवाद है, कहाँ से आ रहा है, हमारे पड़ोसी से आ रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक कि दोनों मुल्क बातचीत के टेबल पे नहीं आएंगे, नहीं ख़त्म होगा, मैं आपसे खून से लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा। और 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, 4 लड़ाइयों में ये जो हमारा सरहद है वो वहीं पे खड़ी है, और लड़ाइयों से कोई फैसला नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ ना होगा। आप देखिए कितने साल, 1 साल से वो रूस का और उस मुल्क का लड़ाई हो रही है, कौन मर रहा है वहाँ पे, वो जो वहाँ के रहने वाले हैं, बर्बादी किन की हो रही है, जो वहाँ रहने वाले हैं, रूस की नहीं हो रही है या अमेरिका जो मदद कर उनकी नहीं हो रही है, उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ मर तो हम जाएंगे, हम सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दुआ करें अल्लाह से कि ऐसी बात ना हो और बातचीत से ये मसला हल हो और दोनों मुल्क मोहब्बत में रहें, तरक्की करेंगे, और वही हम चाहते हैं। एक सवाल मेरा है सर, जैसे कि आपकी आंखों से ठीक लग रहा है कि आपने उनकी हालत देखी है और उसका भाव नजर आ रहे हैं, तो सर बार बार आप बातचीत की बात करते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं,
सर अगर देखिए मरकज के कानून तक जून तक नहीं रेंगती है, क्या वजह है सर? बार बार आप देखिए, मैं आपसे कहूँगा, पाकिस्तान की हालत आपको पता है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म वहाँ पे अच्छा आएगा और वो इस बातचीत को आगे चलाने की कोशिश करेगा। और हिंदुस्तान में भी इलेक्शन आने वाले, हमारे वतन में इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें भी जो नया वज़ीर आज़म बनेगा, जो हुकूमत बनेगी, उनको इसी तरह तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक इसी तरह तवज्जो नहीं देंगे, ये हमें खाता जाएगा। और इसका नतीजा सिर्फ हम पे ही नहीं पड़ रहा है, हिंदुस्तान के हर मुसलमान पे इसका असर पड़ रहा है। जब ये हो रहा है तो मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं उन पे निशाना किया जाता है और कहा जाता है ये पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तानी होते तो वो कब के पाकिस्तान गए होते? हम भी 47-48 में पाकिस्तान गए थे, नहीं गए, यहाँ रहे। इसे ये जो नफ़रत पैदा हो रही है, इस नफ़रत को ख़त्म करना पड़ेगा अगर मुल्क को बचना है। अगर नहीं ख़त्म की तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस मुल्क का हाल बहुत बुरा होगा।